भागों का बंटवारा हो गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने पास 23 मंत्रालय रखे हैं। पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं, 23 मंत्रालय उन्होंने रखे हुए हैं अपने पास। उत्तराखंड से आपको खबर बता रहे हैं जहां मंत्रालयों का बंटवारा हो गया है। प्रेमचंद अग्रवाल को वित्त शहरी विकास मंत्रालय, सतपाल महाराज को लोक निर्माण विभाग दिया गया है। इसे बड़ा विभाग कहा जाता है, लोक निर्माण विभाग को। गणेश जोशी की बात करें, उनको कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय। धन सिंह को बेसिक माध्यमिक उच्च शिक्षा विभाग दिया गया, इसके पहले भी इनके पास शिक्षा विभाग था। सुबोध उनियाल को वन भाषा तकनीकी मंत्रालय मिला है। धन सिंह को बेसिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा मंत्रालय दिया गया है। और इसी खबर पर उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जुड़ गए हैं। राजेश, मंत्रालयों का बंटवारा हो गया है, अगर सबसे मजबूत विभाग की बात करें लोक निर्माण विभाग, सतपाल महाराज को मिला है, क्या सब कुछ ठीक है या फिर मंत्रालयों को जो बंटवारा उसको लेकर कुछ कश्मकश भी है? बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए काफी लंबे समय से जो है मंत्रालयों का जो है बंटवारा होना था और आखिरकार जो है आज जो है इसपे मोर जो है वो लग चुकी है और तमाम जो 8 कैबिनेट मंत्री हैं उनको जो है उनके मंत्रालय जो है उनके उनको सौंप दिए गए हैं, यानी कि उनके जो है औपचारिक ऐलान जो है वो आज हो चुका है। पुष्कर सिंह धामी ने खुद अपने पास जो है लगभग 23 मंत्रालय ऐसे रखे हैं जो जिनको वो संभालेंगे। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो सतपाल महाराज को जो है लोक निर्माण विभाग, पंचायती राज, ग्रामीण निर्माण, संस्कृति, पर्यटन, कई ऐसे विभाग जो है उनको दिए हैं। और इसके साथ साथ जो हाल ही में जो इस बार प्रेमचंद अग्रवाल जो है इससे पहले विधानसभा स्पीकर की कमान संभाल रहे थे तो उनको भी जो है कैबिनेट में जगह दी गई है और उनके उनको जो है बड़े विभाग कहा जा सकता है क्योंकि वित्त और शहरी विकास जो है उनको दिया गया है। कई ऐसे विभाग है जो उनको दिए गए हैं तो कहा जा सकता है कि पूरा अब जो कैबिनेट है वो सज चुकी है और कैबिनेट के जो औपचारिक ऐलान थे या विभागों के बंटवारे को लेकर के जो असमंजस की स्थिति काफी लंबे समय से बनी हुई थी, यानी कि आज की डेट में 6 दिन हो चुके हैं और 6 दिन बाद जो है इस बार बंटवारा जो है वो हुआ है और विधानसभा सत्र भी जो है शैलेंद्र चल रहा है। और ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि नेता प्रतिपक्ष के बगैर भी आज विधानसभा सदन चला है और इसके साथ साथ मंत्रालयों के बंटवारों पे यानी कि मंत्री, कैबिनेट मंत्री मौजूद थे लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि उनके पास क्या विभाग है, तो इसलिए कई ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि किस विभाग को लेकर के जो भी सवाल जवाब होते हैं तो वो आज उसका प्रकरण नहीं रहा। लेकिन जो है आज पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि मंत्रालय बंटने से पहले ही बगैर मंत्रालय के जो है तमाम जो है मंत्रीगण जो है वहां मौजूद थे। तो अब जो है विराम लग चुका है, मंत्रालयों की बंटवारा जो है वो काट दिए गए हैं, 8 मंत्री जो है अलग अलग विभाग जो है वो शैलेंद्र देखेंगे और जो है बेहतर तरीके से जो है कोऑर्डिनेशन जो है वो खास तौर से इस बार मंत्रालयों का बनाया गया है कि कोई आपसी जो तालमेल है वो सरकार के साथ और मंत्रियों के साथ जो तालमेल है वो हमेशा बना रहे, कोई असमंजस की स्थिति वो आगे ना मिले क्योंकि फ्रेश सरकार जो है 5 साल आगे के लिए मिल रहे हैं तो वहीं कहीं ना कहीं तो जो है सरकार के सामने भी जो है काम है, कामों को लेकर के चैलेंज है, तो आगे जनता को बहुत सारी चीजें जो जो वादे सरकार ने 5 सालों के लिए किए हैं कि जिन वादों को लेकर के सरकार आगे चलेगी, तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के आज विभागों का बंटवारा हो चुका है और अब मंत्री इन कामों को किस तरीके से बढ़ाएंगे, अपने अपने विभाग को किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे ये बहरहाल देखना होगा शैलेंद्र। लेकिन अभी तक की कुल मिलाकर के बात करें तो कई विभाग ऐसे हैं कि जो घाटे में अभी तक चल रहे हैं, वो घाटा किस तरीके से पूरा कर पाएंगे, क्या उनकी आगे की रणनीति होगी, क्या स्ट्रेटेजी होगी। राजेश, अक्सर देखा जाता है जब मंत्रालयों का बंटवारा होता है, जब मंत्रालय बांटे जाते हैं तो कुछ लोग तो बड़े संतुष्ट रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, कुछ लोगों में संतुष्टता नहीं नजर आती, क्या इस यहाँ भी ऐसा कुछ है या फिर आने वाले दिनों में इस पर फेरबदल हो सकता है या फिर जो काफी सारे मंत्रालय मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे हुए हैं कुछ और नए चेहरों को जगह दी जा सकती है? राजेश,
बिल्कुल स्वाभाविक तौर पे कि आगे शायद जो है माफ कीजिएगा कि आगे और भी लोगों को जो है ये जगह दी जा सकती है और कई मंत्रालय जो है इधर से उधर हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिलहाल जो है क्योंकि ये जो लिस्ट है काफी लंबे समय के बाद सर्च करने के बाद जो है कौन विभाग कौन मंत्री जो है वो बेहतर तरीके से चला सकता है, तो एक सिस्टमेटिकली जो है ग्राफ बनाया गया है और उस ग्राफ के चलते जो है कहीं ना कहीं एक बड़ी बंटवारों को बड़ी स्थिति से जो है बड़े हिसाब से जो है वो दिया गया है। क्योंकि काफी लंबे समय यानी कि 5 दिन से ज्यादा 6 दिन जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो 6 दिन से लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि आखिरकार ये मंत्रालय इसको क्या विभाग दिया जाएगा। हालांकि अगर आप शैलेंद्र देखेंगे तो जो पूर्व में जितने भी मंत्री रहे हैं जो अभी कैबिनेट में फिर भी मौजूद है उन लोगों को सामान्य तौर पर वही विभाग दोबारा रिपीट किए हैं क्योंकि उनका लंबे समय से बिल्कुल इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि मिनिस्ट्री में कौन कितना अच्छा परफॉर्म करेगा इसका भी ख्याल रखा गया। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड से खबर आपको बता रहे थे जहां मंत्रालयों का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है और सबसे ज्यादा जो मंत्रालय हैं पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं। रुड़की में भारतीय किसान यूनियन अंबावता के प्रदेश कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष चौधरी सुभाष नंबरदार द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष चौधरी सुभाष नंबरदार ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अंबावता के आदेशानुसार आज प्रदेश के कुछ पदाधिकारियों को संगठन विरोधी गतिविधियों के चलते संगठन से निष्कासित किया जा रहा है, जिसमें महासचिव नितिन चौधरी, युवा प्रदेश अध्यक्ष परविंदर चौधरी व जिलाध्यक्ष मोहम्मद इखलाक मौजूद हैं। इन सभी का आज के बाद भारतीय किसान यूनियन अंबावता से कोई संबंध नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उनके द्वारा संगठन का विस्तार करते हुए क्षेत्र के कुछ नए किसानों को भारतीय किसान यूनियन अंबावता में अहम जिम्मेदारी दी जा रही है। हमारी यूनियन बहुत आगे बढ़ रही है, ग्रोथ कर रही है और किसानों के हक की लड़ाई हमेशा से लड़ती आई है और आगे भी लड़ेगी और अभी भी हमारी यूनियन किसानों के हित की लड़ाई लड़ रही है। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर यूनियन है, भारतीय किसान यूनियन टिकेट भी है और हम और भी यूनियन है। हमारी सभी यूनियन किसानों के लिए काम करती हैं। हमारी सभी यूनियंस ने अभी आपने देखा है कि जो 3 बिल आए थे गवर्नमेंट के द्वारा उनके विरोध में हमारी सभी यूनियन ने एक मंच पर आकर विरोध किया था। देखो मुझे आज इन्होंने क्या नाम है सुभाष नंबरदार जी ने मेरे को दिए हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया मैं यहाँ का। मैं अंबावता जी की यहाँ से यूनियन को पूरे जोरों शोरों से पूरा सिस्टम से लड़ने की तैयार करेंगे। 4 आज जो कार्यकर्ता से वे निकाल दिए हैं और उनके बाद 4 आ रहे, 10 आन लग रहे और 20 के फोन आ रही है। अभी हम कार्यकारिणी मीटिंग में गए थे वहाँ से दिल्ली, कम से कम वहाँ 1000 आदमी 27 प्रदेशों में हमारे अंबावता जी का मतलब अपनी कार्यकारिणी का गठन हुआ था, वहां से लगे हुए हैं सब लोग और हम जो हमें जिम्मेदारी मिली उसके लिए हम पूरे तत्पर रहे। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस ने 5वें प्रदेश के अध्यक्षों से इस्तीफा ले लिया था। वहीं अब आज यानी 29 मार्च से 3 दिवसीय विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में अभी तक ना तो प्रदेश अध्यक्ष और ना ही नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। दोनों सीट उत्तराखंड में खाली पड़ी हैं। सोमवार को कांग्रेस मुख्यालय में इसे लेकर बैठक की गई जिसमें कई नामों पर चर्चा की गई। कांग्रेस हाईकमान को कुछ नाम भी भेजे गए हैं। इसके बारे में तय किया जाएगा। हमने कुछ दिन पहले आके यहाँ पर सभी हमारे जो संगठन के प्रदेश जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष थे, जो हमारे फ्रंटल्स के अध्यक्ष थे, जो हमारे विधायक जीते और हारे थे, उन सभी से चर्चा की। कुछ चीज़ें सामने आई हैं उससे हमने माननीय अध्यक्ष जी को अवगत करा दिया है। वो रिपोर्ट एक पूरी तरीके से फाइल कर दी गई है और मुझे उम्मीद है अगले हफ्ते में उसका भी निश्चित रूप से। कालाढूंगी रामनगर व हल्द्वानी थाना अंतर्गत चोरी करने वाले गिरोह का कालाढूंगी पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। कालाढूंगी व अन्य थाना क्षेत्र से चोरी किए गए होल्डिंग जिसमें लोहे के गटर सहित अन्य सामान भी मौजूद थे, जिसके ऊपर कालाढूंगी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। वादी निवासी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश द्वारा कालाढूंगी रामनगर व हल्द्वानी पुलिस को सूचना दी गई, जिसमें पुलिस ने FIR दर्ज कर धारा
379 के तहत कार्रवाई कर मुलजिम को निजी वाहन के साथ गिरफ्तार किया। नॉर्थ इंडिया में एक कंपनी है जो एडवर्टाइजमेंट का काम करती है। इसके जगह जगह प्रत्येक कस्बे में चौराहे पे मेन रोड पे होल्डिंग लगे हुए हैं। इसी क्रम में यहाँ कालाडूनी पर होल्डिंग चोरी हो गए थे, जिसके संबंध में थाना कालाडूनी में एक FIR पंजीकृत किया गया। इसके अलावा एक FIR रामनगर में, एक हल्द्वानी में FIR पंजीकृत की गई है चोरी के संबंध में। इस चोरी के संबंध में दो व्यक्तियों को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया। एक का नाम जुबेर है जो कालाडूनी का रहने वाला, एक सलीम जो क्या कहते हैं हल्द्वानी का रहने वाला है। दोनों से चोरी किया गया माल बरामद हुआ, माल बरामद कर इनको जेल भेजा जा रहा है और पूछताछ की जा रही है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाइए। खुदी को आजमाया का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर नैनीताल से है, जहां कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने नैनीताल कलेक्ट्रेट का स्थलीय निरीक्षण किया। कुमाऊं कमिश्नर ने रजिस्ट्री और रेवेन्यू कार्यालय में निरीक्षण कर अभिलेखों की जांच कर अभिलेखों को सुव्यवस्थित और सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट में अभिलेखों की निरीक्षण करने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री कार्यालय में सभी कार्य संतोषजनक पाए गए हैं, इनमें कुछ कमियां पाई हैं कई हैं जिन्हें सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए। मान लीजिए उसको देखना है, इसका सामगुड़ी गांव है कमल प्रताप, लैंड रिकॉर्ड सेक्शन है, सब रजिस्ट्रार का ऑफिस है और ZAC है, इनको देखा है। उसमें मेनली मैं ये देख रहा था कि ये जो पत्रावलियों का रख रखाव एक तो, और सेकेंडली ये कि जो अलग अलग तरह की अनुमतियाँ होती हैं वो हमारी अपडेटेड रहें। तो इसमें अधिकांश जगह मुझे काम अच्छा मिला है। एक आध जगह जहाँ पे मुझे लगता है सुधार की आवश्यकता है वहाँ पे निर्देशित कर दिया गया है। विशेषकर जो हमारा ZA का जो सेक्शन है उसमें जो हमारी विभिन्न प्रकार की अनुमतियाँ होती हैं लैंड की, उसको मैंने कहा कि रख रखाव ठीक से हो और जो एक्चुअल पोजिशन है वो भी हमारे पास होनी चाहिए। सिमिलरली लैंड रिकॉर्ड्स के केस में, क्योंकि हल्द्वानी का रिकॉर्ड्स यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, तो मैंने कहा कि एक बार उसको पूछ लें अगर वहीं के लैंड रिकॉर्ड। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड विधानसभा सत्र की आज से शुरुआत हो गई है। वहीं 3 दिन चलने वाले सत्र की शुरुआत से पहले दिन राज्यपाल गुरमुख सिंह का अभिभाषण हुआ, जिसमें राज्य सरकार की उपलब्धियां सदन के पटल पर रखी गईं। अभिभाषण के बाद पहली दफा जीत कर विधानसभा पहुंची कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने विधानसभा में ही महंगाई के बैनर को लेकर धरने पर बैठ गईं। उनका आरोप था कि राज्यपाल के अभिभाषण में कहीं भी महंगाई का मुद्दा नहीं दिखा। उन्होंने कहा इस वक्त देश और प्रदेश में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों और महंगाई जो है बढ़ने लगी है, इस ओर केंद्र और राज्य सरकारों को ध्यान देना चाहिए। जो और खाद्य लगभग 17 दिन मुझे वहाँ से, वहाँ की जो मेरे परिवार के जन हैं उन लोगों ने मुझे चुनकर अपनी इस बेटी को यहाँ पर भेजा, विधानसभा में भेजा, लेकिन पूरी तरीके से जो कानून व्यवस्था है वहाँ ध्वस्त नज़र आ रही है। सुबह से लेकर, अगर मैं अपनी बात करूं, सुबह 4-5 बजे से लेकर रात के 2-2, 3-3 बजे तक आम जनता का, कांग्रेस के कार्यकर्ता, बहुत दुख से कहना पड़ा, उनके कॉल आते हैं कि उनको बेवजह जो है पुलिस के द्वारा बुलाया जा रहा है थाना चौकी में, और एक तरफा बिल्कुल पक्षपातपूर्ण जो है कार्रवाई हो रही है। मैंने जो आला अधिकारी थे उनको अवगत भी कराया चिट्ठी के माध्यम से, जो एक प्रक्रिया होती है उससे मैं चली, लेकिन जब मुझे लगा कि बिल्कुल कानों में रुई ठोस दी गई है और कुछ एक तरफा कार्य किया जा रहा है, तो मुझे बापू की
प्रतिमा लेकर उनकी तस्वीर लेकर थाने में बैठना पड़ा, क्योंकि मैं चुनी गई हूं तो आम जनता के आशीर्वाद से चुनी गई हूं, मैं चुनी गई हूं तो मेरे जो पार्टी के वर्कर्स हैं उनके हितों की रक्षा करने के लिए, उनके हितों को देखने के लिए, और अगर आम जनता के हितों के लिए और पार्टी मेरे पार्टी कांग्रेस के वर्कर्स के हितों की अनदेखी की जाएगी तो मैं कभी भी अनुपमा रावत पीछे नहीं। उत्तराखंड की पांचवी विधानसभा के पहले सत्र का आज पहला दिन था। सत्र के पहले की कार्यवाही राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुई, जिसके बाद सदन 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 3 बजे से फिर से शुरू हुई कार्यवाही में कार्य मंत्रणा बैठक के प्रस्ताव पर सदन की सहमति के बाद सदन के पटल पर लेखानुदान बजट रखा गया, जो कि लगभग 21,000 करोड़ रुपये का है। लेखानुदान बजट पेश करने के साथ ही सदन कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हालांकि आज की कार्यवाही पर तमाम सवाल खड़े किए गए हैं, वो चाहे पेट्रोल डीजल व महंगाई को लेकर हो या फिर अभिभाषण से पहले लेखानुदान पेश करने की बात हो। पहली बार महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी रितु खंडूरी का कहना था कि आज की कार्यवाही का अच्छा अनुभव रहा, सभी सदस्य गणों ने पूरा सहयोग दिया और राज्यपाल का अभिभाषण शांतिपूर्ण माहौल में पूरी तरह चला। साथ ही उन्होंने कहा कल राज्यपाल के अभिभाषण पर विस्तार से चर्चा होगी। पीछे खड़ा हो गया रिपोर्टर, देखो थोड़ा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगले 4 महीने के लिए लेखानुदान बजट पेश किया है, जो 21,116.81 करोड़ का है। और चूंकि प्रधानमंत्री जी ने जो एक हमें मंत्र दिया कि 2025 तक हमारा ये उत्तराखंड 25 वर्ष का होगा, तो उसको दृष्टिगत हमारा ये बजट 4 महीने के लिए आगे जो दिया गया है, तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से कल उस पर लेखानु विभागवार चर्चा होगी, बजट कुल मिला के 21,116.81 करोड़ का है। के अंदर चुनाव चल रहा था और चुनाव प्रक्रिया के बाद भी और करीब जो विधानमंडल और सारे नेता के चयन ये सब बैठकें होते होते इतना टाइम लग गया, और इस बीच में एक जो एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत अगले 4 महीनों के लिए, क्योंकि सारे कार्यक्रम चलें, सारे सरकार के काम चलें, सारी जो गतिविधियां चल रही हैं वो चलें, विकास के काम चलें, तो 4 महीनों के लिए लेखानुदान आज प्रस्तुत हो गया है और कल महामहिम के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। इस चर्चा के बाद लेखानुदान पास होगा और इसमें हमने जो लेखानुदान प्रस्तुत किया है उसमें और जो महामहिम जी का अभिभाषण है उस अभिभाषण में हमने अपने संकल्पों को भी रखा है। हमारे संकल्प में जो हमने चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवकुल्य जनता के सामने रखे थे उन सभी को हम पूरा करेंगे। हमारा ये संकल्प और विकल्प रहित संकल्प है, जो भी हम जनता के सामने गए और जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है उस विजन को भी जो हमने जनता के सामने रखा है उन सभी मुद्दों को हम आगे बढ़ाएंगे। आप सब जानते हैं कि पहले दिन की हमारी सदन की कार्रवाई हुई, मेरा भी पहला दिन था, सरकार के भी पहला, आज नई सरकार का पहला दिन था, और खुशी है कि माननीय हमारे जो गवर्नर साहब हैं, महामहिम राज्यपाल जी का जो अभिभाषण हुआ वो काफ़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ, अच्छे माहौल में हुआ, शांतिपूर्वक हुआ, और उन्होंने अपना पूरा भाषण पढ़ा, तो मुझे बहुत खुशी है कि ये सब अच्छे से आज हुआ। विधानसभा के पहले दिन की कार्यवाही स्थगित होने के पश्चात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। स्पष्ट तौर पर प्रीतम सिंह ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा किए बगैर ही सदन में लेखानुदान बजट पेश कर दिया गया, जो नियमों का उल्लंघन है। हमारे बार बार कहने के बावजूद भी सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही और सीधे तौर पर लेखानुदान पेश कर दिया गया, जो कि लोकतंत्र की हत्या है। वहीं इस पर सफाई पेश करते हुए भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि लेखानुदान बजट को पेश करने से विपक्ष की ओर से सदन में रोकने की कोशिश की गई है। कार्य मंत्रणा की सिफारिशों को विपक्ष ने स्वीकार कर लिया, उसके बाद कोई औचित्य नहीं रह जाता कोई सवाल करने का, क्योंकि कार्य मंत्रणा के प्रस्ताव के बाद जब कोई कानून ना हो तो सदन अपने अनुसार कार्य करता है, लेकिन विपक्ष सिर्फ राजनीति और कार्य में अटकलें डालने की कोशिश कर रहा है, जिसकी हम आलोचना करते हैं।
2005 के अनुसार जो है वो चलता है। आज प्रातः राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ और उस अभिभाषण के बाद 3 बजे विधानसभा अध्यक्ष उसे फिर से विधानसभा में ले करने का काम करते हैं और उसके बाद अध्यक्ष नेता सदन के साथ विचार विमर्श करने के उपरांत राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का समय नियत करते हैं और जो कार्य संचालन नियमावली में उल्लेख है उसमें ये उल्लेख है कि कम से कम 4 दिन तक जो है राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा होनी चाहिए। अफसोस की बात कि बाकायदा कार्य मंत्रणा समिति ने हाउस का बिजनेस तय किया और माननीय वरिष्ठ सदस्यगण इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जब कोई नियम ना हो तो सदन में एक नियम काम करता है, हाउस इज द मास्टर ऑफ इट्स ओन बिजनेस, अमूमन सर्वसम्मति से अंगीकार करता है। तो हाउस ने जब कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश को एंडोर्स कर लिया तो उसके बाद इस व्यवस्था के प्रश्न का कोई मतलब नहीं रह जाता, इस क्रिटिसिज्म का कोई मतलब नहीं रह जाता कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के पश्चात ही वोट एंड अकाउंट टेबल होना चाहिए था। उत्तराखंड सरकार में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि आईएएस अफसरों जिनमें सचिव व अपर सचिव स्तर के लोग होते हैं उनके विभागों को जो मंत्री हैं उन मंत्रियों को उन अफसरों की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखने का मौका मिलना चाहिए। वहीं सतपाल महाराज ने कहा कि उनके द्वारा आज मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है और मुख्यमंत्री इस दिशा में कोई ना कोई फैसला जरूर लेंगे। बना देता हूं, आज 5वीं विधानसभा का सत्र प्रारंभ हो गया है और अभी राज्यपाल जी का भाषण हुआ, बहुत ही विजन के साथ उन्होंने अपनी बातों का स्पष्ट किया। मैं समझता हूं कि उनसे प्रेरणा लेकर के उस विजन को हम साकार करेंगे और उत्तराखंड को उत्कृष्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए हरिद्वार जो हमारी आध्यात्मिक नगरी है, योग नगरी है, उसके इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डी की चर्चा चल रही है और उसमें हम लोगों ने डीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है जो ज़मीन के बारे में मालूमात करेगी और उसके रिपोर्ट देगी। तो वो कार्य हमारा चल रहा है और निश्चित रूप में हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है तो उससे वैंकूवर है, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, लंदन, मेलबर्न, सिडनी और न्यूजीलैंड से सभी यात्री सीधे हरिद्वार उतरेंगे और इससे निश्चित रूप में हजारों बेरोजगारों को भी रोजगार मिलेगा। तो हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी बात होगी और निश्चित रूप में इसमें ध्यान फ्लाइट्स, मेडिटेशन फ्लाइट्स, योगा फ्लाइट्स, चारधाम फ्लाइट्स, इस प्रकार की कई फ्लाइट्स, गंगा फ्लाइट्स, जो यहाँ रिवर राफ्टिंग करना चाहेंगे वो आएंगे और विशेषकर जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं जो अपने पूर्वजों की माता पिता की भस्मी को प्रभावित करना चाहेंगे वो भी डायरेक्टली हरिद्वार आकर के गंगा माता में अपनी भस्मी को, अपने पिताओं की भस्मी को प्रभावित कर सकते हैं। तो खबर बाजपुर से है जहां 12 सूत्री मांगों को लेकर आशा वर्कर्स का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। वहीं इस दौरान आशा वर्कर्स ने धरना प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार की से मांगे पूरी किए जाने की बात कही। आपको बता दें केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों और फेडरेशन के संयुक्त आह्वान पर देश भर में 28 और 29 मार्च को देश भर की आशा वर्कर्स और स्कीम वर्कर्स हड़ताल पर है। आज दूसरे दिन भी हम लोग सीएससी बाजपुर में सब लोग इकट्ठे हुए हैं, मांगे हमारी वही है पुरानी जो हमारे अब नए मुख्यमंत्री बने हैं माननीय पुष्कर धामी जी, उन्होंने पिछली बार भी हमसे वादा किया था लेकिन शासनादेश जारी होने के बावजूद भी जो है हम लोगों को पैसा नहीं मिल पाया है। हम लोग चाहते हैं कि वो जो पिछला काम उनका है रुका हुआ सारा उसको पूरा कर दें, साथ ही 26,000 मासिक मानदेय जितने भी स्कीम वर्कर्स हैं चाहे वो आशा हों या कोई भी हों उनको जो है 26,000 मासिक वेतन वो दें और
ये जो हमारा आज का ज्ञापन है, हम अपने अधीक्षक महोदय को प्रेषित करेंगे जो प्रधानमंत्री जी के नाम से है। चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारी जितनी भी समस्याएं हैं उनको समाधान करें। केंद्र सरकार जो है क्या नाम हो इन सब